आज की तारीख है 20 जनवरी। बात है जून 1884 की, जब पंजाब के स्वर्ण मंदिर को खालिस्तानी समर्थकों से मुक्त कराने के लिए ऑपरेशन ब्लू स्टार के कुछ समय बाद ही ऑपरेशन ब्लैक थंडर को अंजाम दिया गया। दरअसल ऑपरेशन ब्लू स्टार के करीब 4 साल बाद खालिस्तानी समर्थक एक बार फिर स्वर्ण मंदिर के अकाल तख्त के पास पहुंच गए। यही वो समय था जब भारत के मौजूदा राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस ऑपरेशन के दौरान उन्होंने रिक्शे वाले का भेष लिया। अमृतसर की गलियों में एक युवक रिक्शा चलाता दिख रहा था और जब आतंकवादी को इस युवक पर शक हुआ तो आतंकियों ने उन्हें पकड़ लिया। हालांकि उस रिक्शे वाले ने अपनी सूझबूझ से 10 दिन की मशक्कत के बाद यह विश्वास दिला दिया कि उसे ISI ने खालिस्तानियों की मदद के लिए भेजा है। वह मंदिर में दाखिल हुए और अहम जानकारी भारतीय सेना को दी। वह रिक्शे वाला कोई और नहीं बल्कि अजीत डोभाल ही थे। ये अजीत डोभाल का ही सूझबूझ का कमाल था कि हमारे ब्लैक कमांडो ने उन आतंकवादियों को मार गिराया। आज राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल का जन्मदिन है। जेम्स बॉन्ड ऑफ इंडिया के नाम से मशहूर अजीत डोभाल को PM नरेंद्र मोदी का बेहद खास माना जाता है। सर्जिकल स्ट्राइक से लेकर नगर शांति समझौता, ऑपरेशन ब्लैक थंडर से लेकर ISIS के चुंगल से भारतीय नर्सों को सुरक्षित निकालने तक अजीत डोभाल के नाम पर कई उपलब्धियां हैं। 78 वर्षीय डोभाल भारतीय पुलिस सेवा के ऐसे रिटायर्ड अधिकारी हैं जिन्हें कीर्ति चक्र से सम्मानित किया जा चुका है। अजीत डोभाल का जन्म 20 जनवरी 1945 को उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में हुआ था। उनके पिता JN डोभाल भी भारतीय सेना में एक अधिकारी थे। डोभाल की प्रारंभिक शिक्षा अजमेर राजस्थान में किंग जॉर्ज रॉयल इंडियन मिलिट्री स्कूल से हुई। 1967 में उन्होंने आगरा यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में मास्टर्स किया। इसके बाद वो IPS बनने की तैयारी में लग गए और साल 1968 में केरल कैडर के IPS अधिकारी बने। अजीत डोभाल की पोस्टिंग सबसे पहले केरल में हुई। वहाँ भी उन्होंने अपने कामों से सबको प्रभावित किया। इस समय वे पंजाब और मिजोरम में हुए उग्रवाद विरोधी आंदोलन में सक्रिय रूप में शामिल थे। मिजोरम राज्य में इन्होंने जीत जी मिजो नेशनल फ्रंट को शक्तिहीन कर दिया, जिससे वहां पर शांति संभव हो सके। पुलिस सेवा में 4 साल बिताने के बाद 1972 में भारत की खुफिया एजेंसी इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी कि IB में शामिल हो गए। भारत सरकार के 5वें NSA और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष अजीत डोभाल करीब 7 साल तक पाकिस्तान में जासूस बनकर रहे। इस दौरान उन्होंने खुद को एक मुसलमान की तरह रखा और किसी को भनक तक नहीं लगने दी कि वो एक हिंदू परिवार से आते हैं। वहाँ उन्होंने अंडरकवर ऑपरेटिव की तरह काम किया। इस दौरान उन्होंने भारत के लिए खुफिया और आतंकवादी गतिविधियों से जुड़ी जानकारी इकट्ठा करने में अहम भूमिका निभाई। वो अजीत डोभाल ही थे जिन्होंने 15 बार भारतीय विमानों के अपहरण की संभावना को खत्म किया। अजीत डोभाल ने एक दशक तक IB के संचालन विंग का नेतृत्व किया। इसके अतिरिक्त वह मल्टी एजेंसी सेंटर और ज्वाइंट टास्क फोर्स ऑन इंटेलिजेंसी के संस्थापक अध्यक्ष थे। इन्हें भारत के 3rd राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार MK नारायणा के द्वारा आतंक विरोधी कार्यों के लिए ट्रेनिंग दी गई। साल 1988 में ऑपरेशन ब्लैक थंडर के पहले उन्होंने स्वर्ण मंदिर में प्रवेश कर महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त की। वर्ष 1999 में इंडियन एयरलाइंस के एक विमान का अपहरण हुआ। इसे बाद में कंधार ले जाया गया। उस समय अजीत डोभाल ने तालिबान के साथ बातचीत में काफी अहम भूमिका अदा की। रॉ के पूर्व चीफ AS तुलत के अनुसार उस दौरान कंधार से डोभाल लगातार उनके संपर्क में थे। डोभाल ने ही हाईजेक के यात्रियों को छोड़ने के लिए राजी किया था। पाकिस्तान में भारत की सर्जिकल स्ट्राइक को 6 वर्ष से ज्यादा हो गए। भारत ने 28 से 29 सितंबर 2016 की रात पाकिस्तान में दाखिल होकर आतंकियों के ठिकानों पर बमबारी की थी। इस ऑपरेशन के मास्टरमाइंड भी NSA अजीत डोभाल थे। इसी वजह से उन्हें भारत का जेम्स बॉन्ड तक कहा जाने लगा। अजीत डोभाल देश के एक ऐसे अफसर हैं जिन्होंने अपनी बुद्धि से लड़ाई लड़ी और जासूसी की दुनिया में वो कारनामे कर दिखाए जिसे शायद कम ही लोगों ने किया हो। 37 साल की नौकरी में सिर्फ 7 साल वर्दी पहनी और 30 साल तक जासूसी की। हमेशा खुद को छिपा कर रखा, कई बार भेष बदले, कभी मोची बने तो कभी रिक्शा वाला, तो कभी भिखारी बनकर भीख मांगी, नाम बदल कर दूसरे धर्म के भी बन गए। असंभव को संभव कर दिखाने वाले अजीत डोभाल ही हो सकते हैं। अजीत डोभाल वर्तमान में देश के NSA हैं।
दोस्तों आइए अब आखिर में जानते हैं देश और दुनिया की आज की तारीख यानी 20 जनवरी के अन्य महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में। आज के ही दिन 1817 में कोलकाता में हिंदू कॉलेज की स्थापना हुई। वहीं 1892 में पहली बार बास्केटबॉल खेला गया था। वही साल 1930 में आज के ही दिन चांद पर बज एल्ड्रिन ने कदम रखा था। वह चांद पर जाने वाले दूसरे इंसान थे। आज के ही दिन 1958 में अंटार्कटिका को पार करने के मिशन के साथ में आज ही के दिन खोजी दल साउथ पोल पर मिला था। साथ ही 1961 में जॉन एफ कैनेडी अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे। वह अमेरिका के तब तक के सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति थे। आज के ही दिन 2002 में क्यूबा स्थित अमेरिकी सैनिक अड्डे गवांतानामो बे के जेल में बंद कैदियों की तस्वीर पहली बार सार्वजनिक हुई थी और उनको लेकर काफी विवाद हुआ था। वहीं साल 2005 में ग्लैमरस भूमिकाओं के दम पर न्यायिकाओं की छवि बदलने वाली परवीन बॉबी की मौत हुई थी। साथ ही साल 2009 में बराक ओबामा ने अमेरिका के 44वें राष्ट्रपति के रूप में पदभार संभाला था। दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें और अगर आपके पास हमारे कोई सवाल है तो उसे कमेंट में लिखकर हमें जरूर बताएं। आपसे जल्दी मुलाकात होगी इस सीरीज के अगले एपिसोड के साथ। देखते रहिए प्रभात एग्जाम। नमस्कार।